राजकीय उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य ललित चेस्टू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रम की सराहना की और पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी। NSS प्रोग्राम ऑफिसर PP डुल्टा ने बच्चों को एड्स दिवस मनाने के महत्व और इस महामारी के प्रति जागरूक किया। NSS इकाई और सर्वपल्ली BEd कॉलेज की छात्राओं के सौजन्य से विद्यालय में इस अवसर पर बच्चों ने अंतर सदर पोस्टर लेखन और भाषण प्रतियोगिता करवाई। इस अवसर पर स्थानीय पाठशाला की NSS इकाई की स्वयंसेवी छात्राओं ने और सर्वपल्ली BEd कॉलेज की प्रशिक्षु छात्राओं ने बेहतरीन एकांकी प्रस्तुत करके एड्स के प्रति जागरूकता संदेश दिया। वहीं बुशहर BEd कॉलेज कलना में प्राचार्य डॉक्टर तिलक राज भारद्वाज की अगुवाई में एड्स दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही इस लाइलाज बीमारी का उपचार संभव है। वहीं सर्वपल्ली BEd कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने रामपुर बुशहर बाजार में जागरूकता रैली निकाली। इधर भी लगा दे एक जरा इन चिट्टों वालों ने तो पूरा वातावरण ही खा करके रखा है। शर्म नहीं है। ओए ये क्या कर रहे हो तुम तीनों? डॉक्टर डॉक्टर मेरे पति की एक्सीडेंट हो गई है। अरे इनका तो काफी ब्लड लॉस हो चुका है, इनको तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं से ब्लड प्रोवाइड करिए। कोई तो मेरे मैं डॉक्टर नवीन कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य सर्वपल्ली शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान लोबली रामपुर शहर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज विश्व एड्स जागरूकता अभियान पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो उसी संदर्भ में सर्वपल्ली शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने भी एक प्रयास किया, जिसमें कि दरबार से रामपुर गांधी पार्क तक एक रैली का आयोजन किया गया और उसके साथ साथ एक लघु नुक्कड़ नाटिका भी की गई, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करवाना था। जिस तरह से आजकल चिट्टा, एड्स या इस तरह की अनेकों बीमारियां समाज में फैल रही है और उसका ज़्यादातर जो शिकार हो रहे हैं युवा वर्ग हो रहे हैं, तो उनके लिए एक संदेश मात्र जो था वो प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी जागरूकता से संबंधित कोई भी जानकारी है उसको समाज में लेकर आएंगे। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके प्रति अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, इसीलिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक बनाया जाए। लेकिन अब सवाल हम सबके सामने ये उठता है कि हर साल जिस डिजीज के ऊपर हम इतनी गंभीर बातचीत करते हैं, इतनी गंभीरता से उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, क्या उसी बीमारी को लेकर हम पूरे साल भर खुद अवेयर रहते हैं? एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो HIV नाम के वायरस से होती है। जब HIV नाम का वायरस हमारे इम्यून सिस्टम में जाकर टी सेल्स को खत्म कर देता है, टी सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो हमारे दूसरी डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं, और टी सेल्स की कमी के कारण हमारा शरीर दूसरी डिजीज कैच कर देता है जैसे कि एड्स। अब हमारे सामने सवाल आता है कि एड्स कैसे फैलता है। पूरे विश्व में करीब 3 करोड़ लोग हर साल एड्स की वजह से अपनी जानें खो देते हैं और हमारा देश भारत एड्स पेशेंट्स की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर आता है। एड्स फैलने के कई कारण हैं, जैसे कि सेम नीडल यूज करना, इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टेक्ट में आना या फिर एक एड्स पीड़ित माँ का एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना। बट इन कारणों के अलावा जिसे एड्स का मेन रीजन बताया जाता है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। NACO नेशनल एड्स
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में एड्स पेशेंट्स की लिस्ट में 88% लोग हमारी यूथ है, हमारी युवा पीढ़ी एक अनप्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से, एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से ज्यादातर एड्स की शिकार हो जाती है।